मिनी कंप्यूटर की शुरुआत 1960 में हुई थी। मिनी कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। मतलब मिनी कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के बीच का कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर में आमतौर पर दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर लगे हुए होते हैं। मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर सिस्टम है, यानी इसे भी एक ही वक्त बहुत ज्यादा यूजर यूज कर सकते हैं। और मिनी कंप्यूटर का स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होता है माइक्रो कंप्यूटर से। मतलब माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और मिनी कंप्यूटर छोटे जनरल पर्पस सिस्टम है जो कि माइक्रो कंप्यूटर की बनिस्बत बहुत ही पावरफुल और बहुत ही यूजफुल है। मिनी कंप्यूटर को हम मिड रेंज कंप्यूटर या मिड साइज कंप्यूटर भी कहते हैं। और मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा महंगे होते हैं। मिनी कंप्यूटर एट अ टाइम 250 यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। मतलब आमतौर पर मिनी कंप्यूटर की कैपेबिलिटी 250 यूजर्स तक होती है। मिनी कंप्यूटर वेब सर्वर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, डेटाबेस और गेमिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अगर मिनी कंप्यूटर की एप्लीकेशन को देख लें तो डिपार्टमेंटल सिस्टम जितने भी हैं वो अक्सर मिनी कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। नेटवर्क सर्वर और वर्क ग्रुप सिस्टम वगैरह भी मिनी कंप्यूटर को ही यूज़ करते हैं। मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स में प्राइम 9755, OX8650, IBM सिस्टम 360, HP 3000 और मैग्नम वगैरह आते हैं जो कि मिनी कंप्यूटर के कुछ मशहूर कंप्यूटर्स हैं।